हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सीम की अचार। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये ठंड के मौसम में बिहार में बहुत बनाए जाते हैं। ये सबके घर में बनता है आलू सीम, मूली, वैरायटी वैरायटी के अचार बनते हैं, जो कि साइड डिश में सबको, रोटी राइस में आप सब खा सकते हो। तो अचार बनाने के लिए हमें आलू को बॉयल कर देना है, इधर सीम को भी बीच से कट करके और बॉयल करने के लिए रख देना है। इधर सरसों को अच्छे से गरम कर लेना है। ये देखिए, दो चम्मच सरसों डाल के इसको अच्छे से हमें गरम कर लेना है। आलू जो मैं दिखाई थी उसको मैं इसमें तोड़ के रख लूँगी और सीम को भी मैं इसी में डालूँगी। ये सब डाल के उसके बाद जो मसाला मैं रेडी की थी वो मैं इसमें अब डालूँगी। पहले मैं इधर थोड़ा सरसों है तो मैं इसको पीस लूँगी गरम करके और पीस के, ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अचार बना रही हूँ तो मैं थोड़ा मसाला डाली हूँ। आप अपने अनुसार, आप कितना बना रहे हैं उसी अनुसार आप बनाएं। मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी, मिर्ची, ये देखिए धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है और नमक और जीरा, काला जीरा, मंगरेला, इसको मंगरेला भी बोलते हैं, और अजवाइन। ये आप पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही डाल दिए हैं, इसे और अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर उसमें अच्छे से आ जाता है। और सरसों का तेल इसमें ज़्यादा पड़ेगा इसलिए हमें सरसों का तेल डाल देना है। और ये देखिए अचार बन के रेडी हो गया। ये बिहार की फेमस है ये सीम की अचार, इसमें बैंगन भी आप डाल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।